अस्सलाम वालेकुम सभी को। आज का हमारा टॉपिक है वो है लाहौर का जग्राफिया, यानी कि लाहौर के मतलब, और लाहौर का आज हमारा टॉपिक लाहौर का जग्राफिया होगा। तहमीर के तौर पर सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि लाहौर को दरियाफ्त हुए अब बहुत अर्सा गुजर चुका है, यानी कि लाहौर को दरियाफ्त हुए अभी अब तक बहुत ही अर्सा गुजर चुका है, यानी कि लाहौर बहुत ही पहले दरियाफ्त हो चुका है और इसे बहुत ही काफ़ी साल अर्सा हो चुका है। इसीलिए दलाइल ब्राहन से इसके वजूद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसलिए लाहौर को दरियाफ्त हुए काफ़ी अर्सा गुजर लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसे दलाइल को पेश करनी पड़ेगी। यह कहना कि भी ज़रूरत नहीं कि करे कोई दांत से बाएं घूमे, और ये भी कहना कि वो लोड़ नहीं है कि करे कोई दाएं बाएं घूमे, हत्ता कि हमारे मुल्क आपके सामने आकर ठहर चुका है, ठहरा जाए। फिर फ्लाई तौर अबदन फ्लाई अर्ज अबदन के मकाम अनका पर लाहौर का नाम तलाश कीजिए, यानी कि नक्शे पर आप देख सकते हैं लाहौर को, लाहौर पाकिस्तान के नक्शे में है। जहाँ ये काम करे पर मरकूम हो वहाँ लाहौर का मोहल्लम वकू है। इस सारे तखलियात को मुख्तलिफ मगर जामे अल्फाज में बुजुर्ग यूँ बयान करते हैं कि लाहौर लाहौर ही है, अगर इस पत्ते से आपको लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तलीम नकस और आपकी जहन फातर है, यानी कि बुजुर्ग कहते हैं लाहौर लाहौर ही है, और हमारी एक कहावत है जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं, और अगर कोई नक्शे पर लाहौर नहीं देख सकता तो वो कहते हैं कि इसकी तलीम नाकस है, यानी कि वो इतना ख़ास पढ़ा लिखा नहीं होगा और वो तलीम में कमज़ोर है। लाहौर पाकिस्तान का मशहूर शहर है। मल्ला बापू, एक दो गलती फहमी अलबत्ता ज़रूर रफ़ करना चाहता हूँ, लाहौर पंजाब में वाक़ है लेकिन पंजाब अब बच अब नहीं रहा, यानी कि एक दो गलतियाँ वो दूर करना चाहते हैं कि लाहौर पंजाब में है लेकिन पंजाब अब बच नहीं सकता। इस पांच दरियाओं की सरजमीन में अब सिर्फ 4.5 दरिया बहते हैं और जो नसब दरिया है वो तो अब बहने के काबिल ही नहीं रहा, यानी कि ये पंजाब में पांच दरिया बहते हैं, ये पांच दरियाओं की सरजमीन इसको कहते हैं, और इसमें पांच दरिया बहते हैं जिनमें से अब तक सिर्फ 4.5 दरिया बहते हैं, और जो आधा बचता है इसमें पानी ही नहीं आता, यानी कि 4.5 में पानी आता है और आधा दरिया में पानी नहीं आता, और ये पांच दरियाओं वाली सरजमीन है, सूबा है। इसको असलाहत में रवाजीब कहते हैं, मिलने का पता है ये है कि शहर के करीब दो पुल बने हुए हैं, इनके नीचे रेत में यह दरिया लेटा रहता है, यानी कि शहर में लाहौर शहर में ना दो पुल तैयार हैं और ये तो इन पुल के नीचे ही बिल्कुल है दरिया, और ये सिर्फ सिर्फ लेट इस पर रेत ही है, इसमें पानी बहता नहीं है, जिधर भी देखें सिर्फ सिर्फ रेत मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वो कहता है कि ये सिर्फ रेत में लेटा हुआ दरिया है। बहने का शुक्र अरसे से बंद है, यानी कि काफ़ी अरसे से ना इसमें पानी आया पानी नहीं आया, काफ़ी अरसे से ये बंद है, इसमें कोई पानी शानी नहीं है, इसलिए ये बताना भी मुश्किल है कि शहर दरिया के दाएं किनारे पर वाक़ है या बाएं किनारे पर, और वो कहता है कि इसलिए ना इसे बताना भी अब बहुत मुश्किल है कि जो लाहौर शहर है ना वो दाएं इसके दाएं किनारे पर है या बाएं किनारे पर, यानी कि अब वो दो पुल के नीचे दरिया बहता है, अब उस पर सिर्फ सिर्फ रेत ही है, और वो कहते हैं कि ये बताना भी अब मुश्किल है कि लाहौर इसके दाएं किनारे पर है या बाएं किनारे पर। इसकी स्टोरी हम बता